और चलिए बढ़ते हैं अब आगे। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 11 अक्टूबर को पीएम मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने वाले हैं, जिसे लेकर सूबे की शिवराज सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है, लापरवाह अधिकारियों पर गाज भी गिर रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लोकार्पण 11 अक्टूबर को होगा, जिसे लेकर शिवराज सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम शिवराज लगातार तैयारियों को लेकर बैठक कर रहे हैं। कई बड़े प्रशासनिक फेरबदल भी किए जा रहे हैं, ताकि सुरक्षा से किसी तरह का समझौता न किया जा सके। इसी क्रम में सीएम शिवराज के उज्जैन दौरे के बाद अंशुल गुप्ता को नगर निगम उज्जैन के पद से हटा दिया गया है। दरअसल 11 अक्टूबर को पीएम मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में लोकार्पण उत्सव मनाया जाएगा। सभी मंदिरों में शिव अभिषेक और विशेष पूजा रखी गई है। प्रदेश के सभी मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाएगा। लोकार्पण के दिन पूरी उज्जैन नगरी रोशनी से जगमगा उठेगी। ये श्री महाकाल लोक बना है और इस लोक को महाकाल बाबा को ही समर्पित करने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। 11 अक्टूबर शाम को 6 बजे ये पल आएंगे। अवंतिका में तो अद्भुत उत्साह है ही, पूरा प्रदेश उत्साहित है। ये गर्व के क्षण है और मैं सबसे अपील करता हूं कि वो इन क्षणों के साक्षी बनने के लिए महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन अवंतिका इस अवसर पर जरूर पधारें। वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हमेशा से धर्म की राजनीति करती आई है। राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। लेकिन राजनीति करने के लिए कहीं भगवान राम के मंदिर की बात करते हैं और अब मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर के माध्यम से पूरे प्रांत में इस तरह के वातावरण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो ये सरकार से प्रार्थना है कि बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, परेशानियां हैं जनता को, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। वनस्पति की ये इस तरह के आयोजन में लोगों को भड़काने से। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद महाकाल लोक का निर्माण केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पीएम मोदी महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए उज्जैन आ रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। उज्जैन में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है और अच्छे अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने उज्जैन आ रहे हैं। ये कार्यक्रम केवल उज्जैन तक सिमट कर ना रह जाए, इसलिए राज्य सरकार सभी मंदिरों में लाइटिंग करवाने जा रही है। शिव अभिषेक होगा और साथ ही पूजा पाठ होगा। साफ तौर पर इसका उद्देश्य है कि सभी मंदिरों में महाकाल लोक के लोकार्पण की गूंज सुनाई दे और इसको लेकर पूरी तैयारियां चल रही हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ अन्य लोग भी इन तैयारियों में लगे हुए हैं, जिससे इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके। इसका एक कारण ये भी है कि गांव-गांव तक महाकाल लोकार्पण के कार्यक्रम को पहुंचाया जा सके और यही कारण है कि इस बार इस कार्यक्रम की गूंज सभी मंदिरों में सुनाई देगी। वीडियो सभी के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।